अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव क्या थे। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, डेमोक्रेसी आई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसी विचारधारा की शुरुआत हुई, समान कानून संहिता, लॉ सबके लिए बराबर है, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तौल का एक समान व्यवस्था, ये जोलवरीन सिस्टम आया और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। 1804 में नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता लाया उसमें क्या क्या है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म किया गया, एक समान कानून, मानक भार तथा माप और राष्ट्रीय मुद्रा से दूसरे इलाके में वस्तुओं एवं पूंजी का आवागमन सरल हुआ। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं, बर्बन डायनेस्टी जो था वो फिर से सत्ता में वापस आया, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए परिवर्तनों की समाप्ति, फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए राज्यों की स्थापना, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था का फिर से आरंभ, जर्मनी का एकीकरण। आपको ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही पॉइंट में लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर पूछा तो। मध्य वर्ग के लोगों ने जर्मन महासंघ की स्थापना कर राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की भावना को आगे बढ़ाया, भू स्वामियों और फौज ने मिलकर उदारवादी पहल को दबा दिया, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। यहाँ पर ऑटो वॉन बिस्मार्क के बारे में आपको नोट्स भी लिखने के लिए आता है। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया, जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया, नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं जो लीगल सिस्टम है इसके मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया। इटली का एकीकरण, ऐसे ही पॉइंट में लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इटली का एकीकरण 1859 से 1870, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जोसेफ मेजिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जर्मनी में बिस्मार्क, इटली में मेजिनी। 1831 से लेकर के 1848 के मध्य हुए क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुअल सेकेंड ने एकीकृत इटली का राजा बना दिया गया। उदारवाद, लिबरलिज्म का प्रसार, उदारवादियों की क्रांति हुई, मई क्रांति और उसका दमन हुआ, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए, सामंतों और बंधुआ मजदूरी का अंत, जो फ्यूडल सिस्टम था और फोर्स्ड लेबर, इंडेंचर्ड लेबर था वो चीज़ खत्म कर दिया।